हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई फाई स्टूडियो सिवन इलानी। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन सभी देशों और लोगों के भीतर और बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इस दिन की जो स्थापना है 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। दो दशक बाद यानी 2001 में महासभा में सर्वसम्मति से उस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया गया था, जिसे 21 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में घोषित किया गया या इसे विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने तीतान झोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक कार्गो मिशन शुरू किया है। इस कार्गो मिशन के तहत चीन देश ने तीतान झोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत के वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रोबोट तीतान झोउ 3 मालवाहक के साथ एक लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट लॉन्च किया गया। तीतान झोउ 3 चीन के नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल तियानहे यानी हार्मनी ऑफ द हेवन के लिए आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया नौसेना ने किस नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत इंडोनेशिया नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता पहुँचे हैं। यानी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया नौसेना ने समुद्र शक्ति नामक नौसेना अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास का जो उद्देश्य है, यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों नौसेना के बीच समुद्री संचालन के आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा करना है। यह समुद्र शक्ति अभ्यास सुंडा जल मरुमध्य के मध्य आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष राज्य पर था, उसके बाद केरल व तमिलनाडु थे। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर, उसके बाद मेघालय और मणिपुर है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, जैसे अगर पूछे तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्य के रूप में शीर्ष पर गुजरात रहा तथा छोटे राज्य में शीर्ष पर गोवा रहा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अडानी पोर्ट को किस पोर्ट में 10.4% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी मिली है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट द्वारा 644.78 करोड़ रुपए में गंगावरम पोर्ट की 10.4% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सितंबर 2001 में निगमित गंगावरम पोर्ट विभिन्न प्रकार के ड्राई बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो को संभालने के व्यवसाय में संलग्न है। आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 132 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जो पिछले वर्ष की रैंकिंग में 48 से ऊपर है। यह सूचकांक विश्व अर्थव्यवस्था को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक करता है और इसमें लगभग 80 संकेतक होते हैं। इस साल यानी हाल ही में 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर रहा। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन नवाचार में अग्रणी, यानी स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा, उसके बाद स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अग्रणी देश रहे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
तो तेलंगाना के राजा ऋत्विक भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 17 वर्षीय राजा ऋत्विक ने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर कैप्जो जीएम शतरंज टूर्नामेंट में जीएम की उपलब्धि अर्जित करने के लिए अनिवार्य येल्लो 2500 अंक को पार कर लिया। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के फाइडी मास्टर फिनेक वेकलेक को हरा कर 4 रेटिंग हासिल किए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एमी अवार्ड 2021 बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो एमी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया द क्राउन को। ड्रामा जो सीरीज है द क्राउन को, उसे एमी अवार्ड 2021 के बेस्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एमी अवार्ड 2021 में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो बेस्ट कॉमेडी सीरीज है टेड लासो को एमी अवार्ड 2021 की बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, एमी अवार्ड 2021 में द क्राउन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? किसने जीता या किसे दिया गया? तो द क्राउन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हैं गिलियन एडरसन ने। नेक्स्ट है, एमी अवार्ड 2021 में द क्राउन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो द क्राउन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है टोबियास मेंजिस। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड 2021 में कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है ब्रेट गोल्डस्टीन ने। और एमी अवार्ड 2021 में कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है हन्ना अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हैं हन्ना वाडिंगहैम ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंटार्कटिक महासागर में बने उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है? तो 19 सितंबर 2021 को कैरबिया के पूर्व में अंटार्कटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय तूफान बना जिसका नाम पीटर है। यह 2021 सीजन का 16वां नामी तूफान है। 2020 में 30 नामी तूफान आए जिसमें 6 प्रमुख हरिकेन शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब कौन जीत लिया है? तो हाल ही में एशियाई स्नूकरशिप चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है भारत के पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकरशिप चैंपियन 2021 जीत लिया है जो कि कतर के दोहा के अल मिसोलो में आयोजित किया गया था। उन्होंने ईरान के अमीर सरखोश को 11 फ्रेम फाइनल के सर्वश्रेष्ठ मुकाबले में हरा दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन कौन किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रवलीन सिंह ने लिखा है। यह पुस्तक सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अस्मोर उत्सव के हिस्सा थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सिक्किम सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो सिक्किम सरकार ने स्थानीय रूप से कैटली नामक की कपूर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है। सिक्किम में कैटली विभिन्न ऊंचाइयों में पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से तिस्ता और रंगीत नदियों और उनकी सहायक नदियों में सीमित पूरे राज्य को कवर करती हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी और उबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल को फेसबुक की सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। राजीव अग्रवाल ने अंकित दास की जगह ली जिन्होंने अक्टूबर 2020 में यह पद छोड़ दिया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण जो कि पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। अभ्यास में दोनों देशों की इन्फेंट्री बटालियन ने भाग ले रही है। सेनाएं एक दूसरे के साथ पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी युद्ध रणनीति
आपदा सहायता बचाव व राहत कार्यों में साझा करेंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? तो भारत 2050 तक, हाल ही में नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। रिपोर्ट यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी की गई। वर्तमान में भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को चुना गया है। ये राज्य में यह पद संभालने वाले पहले दलित व्यक्ति होंगे। 2017 में इन्होंने तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण रोजगार सीजन के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया? तो नीदरलैंड देश जो कि अपना पहला राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया। यह एक ही स्थान पर पूरे नीदरलैंड के सभी पीड़ितों को याद करने वाला पहला स्मारक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है? तो श्रम मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि 1 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों पर भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। थैंक यू।